अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही उपचुनाव को लेकर लगातार धमाचौकड़ी मची हुई थी। हर कोई जानना चाहता था कि कब तक उपचुनाव होंगे और कहां पर किसके पक्ष में समीकरण बन रहे हैं। आखिरकार चुनाव आयोग ने इस पर विराम लगा दिया और उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान भी कर दिया। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा के उपचुनावों की तारीखों का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश की 11 विधानसभा सीटों पर 21 अक्टूबर को उपचुनाव का मतदान करवाया जाएगा। महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ अलग अलग राज्यों की 64 सीटों पर उपचुनाव होंगे। इसमें उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और असम राज्य भी शामिल हैं। उपचुनाव होने की अधिसूचना जारी होते ही आचार संहिता लागू हो गई है। नामांकन 4 अक्टूबर को होगा और 7 अक्टूबर तक नाम वापसी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में रामपुर की सदर, सहारनपुर की गंगोह, अलीगढ़ की इगलास, लखनऊ की कैंट, बाराबंकी की जैदपुर, कानपुर की गोविंदनगर, चित्रकूट की मानिकपुर, बहराइच की बलहा, प्रतापगढ़ की प्रतापगढ़ सदर, हमीरपुर अंबेडकर नगर की जलालपुर और मऊ की घोसी सीटों पर उपचुनाव होना है। 11 विधानसभा सीटों में से रामपुर की सीट समाजवादी पार्टी और जलालपुर की सीट बीएसपी के पास है। बाकी सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। फिरोजाबाद की टूंडला सीट पर मामला कोर्ट में होने के कारण इस बार मतदान की तिथि घोषित नहीं की गई है। बहुजन समाज पार्टी ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी प्रत्याशी घोषित करने की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भले ही अपने प्रत्याशी न घोषित किए हों, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों पर खुद जाकर सियासी नब्ज पकड़ रहे हैं। वो इन इलाकों में सभी योजनाओं का शिलान्यास भी कर रहे हैं, साथ ही बीजेपी जीत को सुनिश्चित करने के लिए लगातार सौगातें बांट रही है। आने वाले अक्टूबर महीने में पता चलेगा कि कौन सी सीट पर किसने जीत दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।